मोबाइल एप्लीकेशन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोलकाता में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल की राजधानी में भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। खाट के नीचे 500 और 2000 रुपए के नोटों की गड्डियां मिली हैं। ईडी ने अब तक 7 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। कैश गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह रेड 6 जगहों पर की जा रही है। खबर की कोलकाता के पार्क स्ट्रीट के पास मैक्लियोड स्ट्रीट पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आरोप है कि आमिर खान नाम के शख्स ने ई नगेट्स नाम से एक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन बनाया था, जिसका लोगों से फ्रॉड करने के मकसद से डिजाइन किया गया था। बता दें, फरवरी 2021 में कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ कोलकाता पुलिस की FIR के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक कोरोना जब देश में पीक पर था, तब कई लोगों ने इन तुरंत लोन लेने वाली एप्स के जरिए कर्ज लिया था। इन एप्स का परिचालन चीन स्थित कंपनियों से हो रहा था। चीनी कंपनियों की ओर से ये लोन काफी महंगे ब्याज दर पर मिल रहा था और एप्स को फोन में डाउनलोड करते ही फोन की सारी जानकारी कंपनियों के पास खुद ब खुद पहुंच जाती थी। जब ये मामला प्रकाश में आया तो इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ और एक्शन शुरू हो गया।